कैसे हो आप सब। और ये दिन है फ्राइडे का, जहाँ मैं कबीर को अगेन एग्ज़ाम दिलाने गई थी। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कबीर जब तक कि एग्ज़ाम देता है, जब तक मैं वहाँ उसका वेट करती हूँ, तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों वेट कर रहे थे और वो एग्ज़ाम दे रहा था। एंड देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी सी धूप निकली है। और एनीवेज देखिए, आफ्टर एग्ज़ाम मैं और कबीर वापस आ रहे थे ऑटो से, बिकॉज मेरे हस्बैंड को ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, तो ही हैज़ गॉन। तो बस हम लोग वापस आ रहे थे और वापस आके कबीर की डिमांड थी कि मम्मा मुझे अगेन कुछ दिलाओ। तो मैंने बस वापस उतर के मार्केट, जो कि मेरे घर के जस्ट सामने ही है, तो वहाँ से हम लोगों ने परचेज़ किया था क्या, छोले भटूरे एंड कबीर के लिए थोड़े से स्नैक्स खरीदे थे। तो बस बताओ, चिप्स आप खाना, मम्मा छोले भटूरे खाएगी, ठीक है? हाँ प्लीज। एक छोला भटूरा पे क्या, एक छोला भटूरा देखो। चलो आ गए घर। चाबी कहाँ है? तो एवरीवन, फ्राइडे को थी मेरी और मेरे हस्बैंड की एनिवर्सरी, तो ऐसे कोई हमारा प्लान नहीं था सेलिब्रेट करने का, मगर कबीर का मन था बहुत ज़्यादा केक काटने का, तो उसने देखिए यहाँ पे सारा डेकोरेशन उसी ने किया था हम दोनों के लिए। तो एनीवेज फ्राइडे को इनका ऑफिस था, तो हम लोगों का कोई प्लान नहीं था। हालाँकि हम लोगों ने खाना बाहर से ज़रूर ऑर्डर किया था, तो हम लोगों का प्लान था कि वी विल गो ऑन संडे, तो संडे को हम लोग जाते शायद डिनर या लंच पर, जैसा भी प्लानिंग होती। एनिवर्सरी हर साल ऐसा ही होता है कि वीकडेज के ड्यूरिंग पड़ती है, तो हम लोग सेलिब्रेट उस दिन नहीं कर पाते हैं। हमेशा ऐसे ही होता है कि नेक्स्ट डे या संडे को सेलिब्रेट करते हैं। तो एनीवेज कोई बात नहीं, जो दिन अच्छा निकल जाता है बस वही दिन अच्छा होता है, बिकॉज एनिवर्सरी बर्थडे ये तो आते रहते हैं, इट्स ओके, बट दिन अच्छा होना चाहिए। और ये है गाइस फ्राइडे का डिनर, जो कि अगेन मैंने बाहर से ही ऑर्डर किया था। तो मैंने लास्ट में अपनी प्लेट का ही ये थोड़ा सा वीडियो बनाया था, बिकॉज मैंने जब फाइनल निकाला था डिनर, तो मैं भूल गई थी रिकॉर्डिंग करना। तो एनीवेज, तो देखिए व्यूअर्स, अगेन मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है और मैं फिर से ब्रेड ऑमलेट ही बना रही हूँ। हालाँकि मेरा किचन इतना फैला हुआ था ना, तो आज मैं सोच रही थी कि आप लोगों के साथ ब्लॉग में ये ब्रेकफास्ट शेयर ना करूं, बट फिर भी मैंने सोचा चलिए कोई बात नहीं। और यहाँ बन रही है चाय, और साथ में ही रखा हुआ है केक जो मैंने कबीर के लिए निकाला था, बट इसने आधा ही खाया, तो अब ये भी शायद मैं खाऊं या नहीं खाऊं, लेट्स सी। और यहाँ पे मैंने, तो सैटरडे को मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैंने सिर्फ ब्रेकफास्ट का ही ब्लॉग शूट किया है, और होल डे आई वाज लाइक स्लीपिंग। तो अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग है संडे की, तो संडे को मॉर्निंग में ही हम लोग आए थे कबीर को यहाँ पे साइकिलिंग कराने, एज़ वेल एज़ हम लोगों ने भी थोड़ा वॉक किया था, क्योंकि आजकल का जो वेदर है ना, इट्स नॉट टू कोल्ड ऑल्सो और इट इज़ नॉट टू हॉट ऑल्सो, मतलब समर भी नहीं आई है और विंटर भी चली गई है, तो वेदर मॉर्निंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और मॉर्निंग के टाइम पे जब आप वॉक करते हो ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज अप्रैल से या मई लाइक अप्रैल मिड से तो यहाँ पर अच्छी खासी गर्मी होने लगती है। तो ये मॉर्निंग का अराउंड 9 to 10 o'clock हो रहा था और वेदर बहुत अच्छा था और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। तो गाइज, आज अगेन मैं आपके साथ एक चिकन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, और ऑफ कोर्स जो लोग वेजिटेरियंस हैं वो लोग तो ये पार्ट स्किप कर सकते हैं, मगर जो नॉन वेज के शौकीन हैं वो लोग ज़रूर देखिएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल, और मैंने काटे थे 4 to 5 मीडियम साइज़ के अनियन, तो मैंने बस उसी को मस्टर्ड ऑयल में अच्छे से फ्राई किया है। तो ये था हमारा लंच का टाइम, और लंच में आज मैं अगेन बना रही थी चिकन, बिकॉज़ संडे का ही दिन होता है जब
हम लोग अच्छे से टाइम निकाल पाते हैं, बिकॉज वैसे वीकडेज़ में तो हर चीज़ की जल्दबाजी होती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने अनियंस फ्राई करके निकाल लिए हैं, और फिर मैं इनको नेक्स्ट स्टेप क्या करूँगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से अनियंस छोड़ दिए हैं, अब मैं इसी में डाल दूँगी सारे खड़े गरम मसाले, जैसा कि शाही जीरा, लौंग, काली मिर्च, इलायची एंड दालचीनी एंड साबुत लाल मिर्च मैंने इसमें ऐड की है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी चिकन। तो बस चिकन को यहाँ पे फ्राई करना है अराउंड 10 to 15 minutes। तो इस रेसिपी में ये वाला पार्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितना ज़्यादा चिकन को फ्राई करोगे ऐसे ही खड़े गरम मसालों में, उतना ज़्यादा ये अच्छा बनेगा। और यहाँ मैंने जो अनियन निकाली थी, ब्राउन अनियन, उसको मैंने पीस लिया था। और यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट, तो जो कि मैं चिकन में ऐड कर दूँगी और अगेन इसको फ्राई करना है। तो ये टाइम लेता है, बट ये बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए अगेन मैं फ्राई कर रही हूँ, और फ्राई करने के बाद एक टाइम के बाद जब चिकन में वो क्रस्ट आ जाएगी ब्राउन ब्राउन, देन आपको नेक्स्ट मसाले ऐड करने हैं इसमें। तो मैंने ब्राउन अनियन का पेस्ट बना के रख लिया था, और इस बार मैं इसको दही के साथ मिक्स करके पेस्ट नहीं बनाया, जस्ट मैंने वाटर के साथ मिक्स करके पेस्ट बनाया है। और इसमें मैं सारे मसाले ऐड कर लूँगी, लाइक सॉल्ट और चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, हल्दी, सारे मसाले। और इसमें मैंने अलग से कोई चिकन मसाला या कुछ भी नहीं डाला था, ना ही गरम मसाला ऐड किया था, लाइक पिसा हुआ गरम मसाला मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया था, बट इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और देखिए यहाँ मैंने सारे मसाले इसमें कर लिए हैं मिक्स, और चिकन को फ्राई करते हुए हो गया था अराउंड 20 to 25 minutes। तो बस अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये मसाले, और साथ में ऑल्सो आई एम गोइंग टू ऐड 2 tomatoes। और देखिए यहाँ चिकन फ्राई हो गया है, तो आई एम गोइंग टू ऐड फूड कलर इन दिस। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, फूड कलर मैं सिर्फ इसलिए ऐड करती हूँ कि मुझे चिकन का ये वाइट वाइट कलर देखने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं फूड कलर ऐड करती हूँ, क्योंकि ये ऑरेंज सा जो कलर आ जाता है ना, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। तो आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। और आपको मेरी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा कि देखिए मेरी तबीयत लाइक कुछ ठीक नहीं है, बट एनीवेज काम है तो करना ही है। और किसी भी काम में जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहते हो, जब तक आपके काम की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो एनीवेज देखिए यहाँ मैंने अनियन और सारे मसालों को मिक्स करके इसमें ऐड कर दिए थे, और साथ में टमाटोज भी ऐड कर दिए थे। तो अब आपको इसके बाद कोई भी चीज़ नहीं करनी है, अगर आप थोड़ा बहुत वाटर डालना चाहते हो तो यू कैन ऐड इन दिस। और साथ में अब बस काम होता है पकाने का, तो कंटिन्यू आपको चलाना भी नहीं है, बस 2-4 minutes के लिए चला के इसको छोड़ देना है। और यहाँ मैंने लिया था 3 to 4 teaspoons ऑफ कर्ड, तो यहाँ पे कर्ड ऑप्शनल है, आप चाहो तो डालो चाहो तो ना डालो, मगर ग्रेवी के टेस्ट में तो फ़र्क नहीं आता है, लेकिन ग्रेवी काफ़ी रिच बनती है तो कर्ड डालने से, इस वजह से मैं इसमें ऐड करती हूँ। इट्स ऑप्शनल, अगर आपको नहीं डालना है तो आप ना भी डालो। तो बस कर्ड डालने के बाद मैंने यहाँ पे ऐड की थी 3 to 4 green chilies साबुत। तो बस ग्रीन चिलीज़ डालने के बाद मैंने इसको ढक दिया था, और ढकने के बाद अराउंड 20 to 25 minutes मैंने अगेन इसे पकाया है। हालांकि कई लोग सोचते हैं कि ये कहीं लाइक चिकन जल्दी पक के रेडी हो जाता है, नहीं, अगर आप स्लो आंच पे इसको स्लो स्लो पकाएंगे ना, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए बस मैंने इसको पका के हो गया था अराउंड 10 minutes, और मैंने 10 minutes के अराउंड और इसे पकाया था, और ये चिकन बस बनने ही वाला है। और मैंने इसमें कोई वाटर ऐड नहीं किया है, आप लोग चाहो तो वाटर ऐड कर सकते हो, थोड़ी सी ग्रेवी के साथ भी बना सकते हो। और ये चिकन बन चुका है, और नाउ आई एम एडिंग धनिया, और तो खूब सारा धनिया डालिए, बिकॉज़ धनिया का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और फाइनल लुक आप लोग देखिए ज़रूर कि कैसा लग रहा है, और ट्राई भी कीजिएगा। ये जो छोटा सा दिख रहा है इसको काटना पड़ता है, क्योंकि उसी हाथ बचा के बेबी, क्योंकि उसी से सारा छिलका जुड़ा रहता है। ओके ओके, हैंड बचा के, पापा देखेंगे गुस्सा करेंगे। अब सारा छिलका निकाल दो। छिल गई, वेरी गुड। क्या कर रहा है? लहसुन छील रहा है। लहसुन छील रहा है, आप मम्मा की बहुत हेल्प करते हो ना, गुड बॉय है कबीर, है ना।
तो कबीर ने कितनी सारी लहसुन छील ली। अरे वाह, हाथ नहीं लगा लेना, ठीक है बेटा। तो मैंने आप लोगों को बताया था फ्राइडे को कि मुझे बाहर जाना था, मगर फ्राइडे को हम लोग गए नहीं थे। तो आज है संडे, तो संडे की इवनिंग में हम लोग घूमने आए हैं और कबीर को पीना था मैंगो शेक। तो यहाँ पे हम लोग आए थे फ्रूट जूस की शॉप पे फॉर मैंगो शेक, मगर जब अभी न्यू मैंगोज़ आ रहे हैं तो मैंगोज़ का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया वो मैंगो शेक। एनीवेज़ कबीर को कबीर को पीना था तो इसलिए हम लोग यहाँ आए थे। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छी मार्केट लगी थी फ्रूट्स की। तो नेक्स्ट हमें करना थी शॉपिंग थोड़ी सी समर्स की, तो हम लोगों को जाना था मॉल एंड देन हम लोगों का प्लान था कि हम लोग वहाँ से डिनर करके ही जाएंगे घर। तो देखिए मैं आपके साथ क्या क्या शेयर कर पाती हूँ, तो मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ कबीर इंजॉय कर रहा है अपना मैंगो शेक। तो बस आगे नहीं, ग्रीन नहीं अच्छी लग रही, कबीर के पसंद की देख लो। और एक रेड वन, सुपर कूल। और एक रेड वाली, रेड वाली चाहिए तो ली बताइए मुझे। हेलो, चलो पेन भी दिखाते हैं बेटा, ठीक है। कौन कौन सी ली? एक ये वाली, बाद में दिखाना घर चल के। ओके, ये वाली। हाँ नाइस, और सबसे अच्छी। ओके नाइस, आप भी ट्राई। और मंडे को मैं ये ब्लॉग इसलिए बना रही हूँ बिकॉज तीन दिन फ्राइडे सैटरडे संडे मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैंने कुछ भी शेयर इतना प्रॉपरली नहीं किया है। तो आज है मंडे, तो अभी मैं मॉर्निंग आवर्स का टाइम है और मैं कबीर को एग्ज़ाम दिला के आई हूँ। तो बस मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ कुछ छोटी मोटी चीज़ें शेयर कर ली जाए। तो कल रात को हम लोग को काफ़ी लेट हो गया था और मेरी फ़ोन की बैटरी हो गई थी डेड, तो इसलिए मैं आपके साथ आफ्टर शॉपिंग मैं कोई भी ब्लॉग शेयर नहीं कर पाई हूँ, कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो लोगों ने थोड़ी सी शॉपिंग की थी, थोड़ा सा खाया पिया था और हम लोग आ गए थे। और काफ़ी टायरिंग था कल का दिन, एट नाइट वी वर बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो हम लोगों ने बस कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया और जस्ट आके चेंज करके हम लोग सो गए थे। और मॉर्निंग में भी काफ़ी जल्दी उठना था, एस कबीर का आज एग्ज़ाम था सुबह सुबह, तो मैं बस उसको लेके गई थी। वहाँ पे भी मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज मन ही नहीं कर रहा था। तो एनीवेज मुझे टीथ में काफ़ी तेज़ दर्द था फ्रॉम टू डेज़, तो मैंने इतना प्रॉपरली मैं वीडियो नहीं डाल पाई। आई थॉट कि मैं संडे तक ये ब्लॉग अपलोड कर दूँगी, मगर नहीं हो पाया। तो गाइस ये था आज का ब्लॉग, अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स में मुझे सजेशंस में ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं एज वेल एज मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं या नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक कि अपना रखिएगा बहुत सारा ध्यान। ओके, बाय बाय, टेक केयर।